नमस्कार, मैं संदीप कुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। जन साहस संस्था व आयुष्मान आधार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन ओएमबी इंटरनेशनल स्कूल असाइन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जाहिद अली फौजी के द्वारा फीता काट कर किया गया। कैंप में डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन व डॉक्टर कुलसुम फरहीन ने लगभग 469 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण किया। शिविर के दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ व फ्री जाँच की गई। फार्मासिस्ट अश्वनी जी ने दवाइयां वितरित की। शिविर के दौरान किशोरी बालिकाओं को परामर्श दिया गया और फ्री सैनिटरी पैड वितरित किए गए व कमजोर बच्चों को प्रोटीन पाउडर दिया गया। कैंप के मैनेजमेंट को जन साहस की ओर से मोहम्मद सादिक व माखन मनीष राठौर जी द्वारा देखा गया एवं अन्य साथियों जैसे कि पवन नीरू जी, गायत्री, संगीता आदि के द्वारा सहयोग किया गया। हसैन कस्बे से जाहिद अली, ताहिर हसन, आले हसन, मोनू बघेल, जानेब हसन आदि का महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी रही। वह अलीगढ़ से तासिब हमीद, दानिश ठाकुर, एजाज अहमद ने स्वयं सेवक के रूप में कैंप में भागीदारी की। जाहिद अली फौजी का कहना है कि आज हसैन में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है जो गरीबों और बीमार लोगों के लिए अच्छा कदम है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो सेवा गरीबों के लिए दी है, समस्त निवासी उनके आभारी रहेंगे। स्कूल में वो ओएमबी स्कूल में आपने कैंप लगाया दवाओं का, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप सब? सर एक्चुअली हमारा एक जो कैंप लगा है यहाँ पर जन स्वास्थ्य संस्था में आयुष्मान आधार में लगाए हैं और हम लोग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कैंप्स लगाते हैं और अभी हम लोग 6 स्टेट में कैंप्स लगा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और बिहार शामिल है। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कोविड के बाद में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मतलब जो मजदूर तबका रहता है उनको मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुँच रही है क्योंकि कोविड के बाद से वो लोग अस्पतालों में जाने से भी थोड़ा घबरा रहे थे। तो उसके बाद हमारी संस्था ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग कैंप्स लगा के गाँव में जाते हैं। इसमें ये कौन कौन से रोगों का आप जो उपचार कर रहे हैं? इसमें हम लोग जो जनरल सीजनल बीमारी जो रहती है ज़्यादातर हम लोग एक फिजिशियन रखते हैं और एक महिला डॉक्टर रखते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट रहती है। और फिजिशियन में जो जनरल बीमारी होती है सर्दी खांसी जुकाम जो सीजनल बीमारी रहती है उनका उपचार किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्री मेडिसिन लेकर आते हैं जो मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है। सभी चीज़ें फिर ऑफकोर्स रहती है और जो गर्भवती माताएँ रहती हैं 5 साल तक जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो कमजोरी में पाई जाती है तो उनको हम लोग प्रोटीन पाउडर्स भी उपलब्ध कराते हैं। सब चीज़ें फिर ऑफकोर्स आते हैं। जाहिद अली फौजी हसैन आज बहुत सराहनीय कार्य रहा क्योंकि हमारे इंटरनेशनल स्कूल ओएमबी में एक स्वास्थ्य संबंधी एक आयोजन किया गया जिसमें हमने पूरे सहयोग से जनता के सहयोग से पूरे उसका बागडोर संभाली हुई थी। और हम इन पार्टी को, डॉक्टर टीम को, सारी को धन्यवाद देते हैं और हसैन जनता की गरीब मजलूम लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे शुभ अवसर हमें हमेशा प्रदान रहे। मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ उस अलीगढ़ से आई हुई टीम का जो हमारे नगर पंचायत हसैन में मतलब अपनी योगदान दिया और लोगों को गरीब मजलूमों तक अपनी कीमती और कॉस्टली दवाई, प्रोटीन वगैरह जांच कर सभी को वितरण निःशुल्क किया गया। इसी के लिए मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, देश और दुनिया के साथ साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए आप देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस। जय हिंद।